वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्लड प्रेशर मेजरमेंट. आज हम लोग ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे और बिकॉज दिस टॉपिक विल टेक सम टाइम सो आई विश यू टू रिमेन कनेक्टेड विथ. थोड़ा सा भी यदि डाउट लगेगा तो आप जरूर पूछ लेना मेरे से, क्योंकि दिस टॉपिक ये बहुत बेसिक टॉपिक है और एवरी डॉक्टर मस्ट नो दिस टॉपिक वेरी वेल कि कैसे ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करते हैं. क्योंकि यदि आप मिस्टेक करोगे तो आपके एज ए डॉक्टर मतलब कि फिर आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे अपने नज़र में भी और सोसाइटी के नज़र में भी. सो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट चैप्टर अभी हम शुरू किया है. ब्लड प्रेशर मेजरमेंट कैन बी डन बाई टू मेथड्स. वन इज कॉल्ड डायरेक्ट, अनदर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट मेथड को इन्वेसिव मेथड भी कहा जाता है. इन्वेसिव मेथड इसीलिए क्योंकि इसमें इन्वेजन होते हैं, हमारे आर्टेरियल सिस्टम में इन्वेजन करना पड़ता है. कोई ऐसा एक कैथेटर लगाते हैं जो कैथेटर हमारे आर्टरी को रीच करती है और उस कैथेटर के साथ जो है सो हम प्रेशर मेजरिंग डिवाइस को अटैच करके रखते हैं. इट इज वेरी कम्बरसम फॉर पेशेंट बट समटाइम्स वी नीड इट इन इमरजेंसी केस व्हेन वी ऑलवेज नीड ए मिनट टू मिनट मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर. सो दिस जो नॉन इन्वेसिव मेथड है जो स्पिग्नोमैनोमीटर वाला जो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है जिसमें हर हमेशा एक डॉक्टर को रहना होता है और उसको कब फिल करना है उसे बनाना है तो वो ऐसे टाइम में नहीं कर सकते क्योंकि ही हैज टू डू सम अनदर इम्पोर्टेंट डिसीजंस अबाउट द लाइफ ऑफ द पेशेंट. सो ऐसे टाइम में जब हमारे पास हमें जब एक तो मिनट टू मिनट ब्लड प्रेशर मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट हो, जब हमें तुरंत तुरंत ब्लड प्रेशर मेजरमेंट की एवरी या समझो थोड़े थोड़े देर पे हमें ब्लड प्रेशर मेजरमेंट चाहिए ऐसे टाइम में. और क्योंकि उस बेसिस से यदि मान लो पेशेंट का लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन है कि हर 5 मिनट के बाद उसका बीपी में चेंज आ रहा है या आपने कोई ऐसी मेडिसिन दी है जो कि उसका बीपी सडनली राइज करे उसको बचाने के लिए, तो ऐसे टाइम में यू डू नॉट नीड, आपको ऐसा नहीं चाहिए कि आप अब वो दवाई भी दे रहे हो और खुद अपने आप को इंगेज कर रहे हो बीपी मेजर करने में, जो कि मेजर करने में 1 से 2 मिनट लगेगा. बार बार कफ इन्फ्लेट करना पेशेंट को भी प्रॉब्लम होगी. यदि हर मिनट मिनट यदि कफ आर्म्स में इन्फ्लेट किए जाएं तो आर्म में भी प्रॉब्लम हो सकती है. तो ऐसे टाइम में हमें डायरेक्ट या इन्वेसिव मेथड ऑफ द ब्लड प्रेशर मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. इसमें क्या किया जाता है, एक सेंसर प्लेस किया जाता है जिसके की टिप एक कैथेटर के टिप पे सेंसर रखा जाता है और उस कैथेटर को, कैथेटर का मतलब ये होता है कि किसी भी ट्यूब के अंदर यदि कोई हम दूसरा ट्यूबुलर सिस्टम यदि अंदर डालें कॉल्ड कैथेटराइजेशन. ये ब्लड वेसल में भी कैथेटर का यूज किया जाता है. कैथेटर का यूज बहुत सारे लाइक हमारे मिक्चुरेशन में यूरिनरी ब्लडर के से यदि यूरिन निकालना होता है उस टाइम में भी कैथेटर यूज करते हैं. ये वाले कैथेटर को हम लोग इंट्रा कैथ या ब्लड वेसल मेजरिंग या ब्लड वेसल में जो है वो वास्कुलर सिस्टम के लिए अलग कैथेटर होते हैं. तो कैथेटर एक ट्यूब है पतला सा जो कि हमारे आर्टेरियल सिस्टम में प्लेस किया जाता है आर्टरी में और वहाँ से जो कि कनेक्टेड होता है हमारे मेजरिंग डिवाइस यानी मैनोमीटर के साथ और उसे जो है सो हम वो डिवाइस फील कर लेता है कि बाय इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वो फील कर पाता है कि कितना ब्लड प्रेशर है. ये टॉपिक जो ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस और ये जो कैथेटर वाला प्रेशर जो सिस्टम है, ये सिस्टम हम लोग MBBS में फर्स्ट ईयर के लेवल पे नहीं पढ़ते हैं. दिस सिस्टम यू विल लर्न द कैथेटराइजेशन एंड ये जब आप लोग आइदर एनेस्थीसिया में MD कर रहे होंगे. जब आप लोग एनेस्थीसिया में MD कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगा या आप जब कार्डियोलॉजी में DM कर रहे होंगे तो उस टाइम में आपको सिखाया जाएगा. ये भी मेथड जो है ये कैथेटर प्लेसिंग इन द वास्कुलर सिस्टम इज ए वेरी स्पेशलाइज्ड स्किल. ये स्किल बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इसमें यदि थोड़ा भी यदि मिस्टेक हो और यदि वो क्लॉट बन जाए, क्योंकि यू हैव लर्न कि 2 से 4 मिनट यदि हमारे ब्लड यदि बाहर यदि किसी भी सिस्टम में रहता है तो वो क्लॉट बन जाता है
और वो क्लॉट बन जाएगा, तो बीपी मेजर के साथ जितना आप फायदा लेने वाले हो सकता है आप उसको क्लॉट बना के उसको ज्यादा मुश्किल में कर दोगे, पेशेंट कैन गो इन इस्केमिक हार्ट अटैक, इस्केमिक हार्ट डिजीजेज और मायोकार्ड इन्फेक्शन। मैं इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा डिटेल आज नहीं पढ़ने वाला हूँ, हम लोग पढ़ेंगे स्फिग्नोमैनोमीटर के थ्रू, दैट इज इनडायरेक्ट और द नॉन इन्वेसिव मेथड, दिस इज कॉल्ड स्फिग्नोमैनोमीटर। आई वॉन्ट एवरी वन टू प्लीज नोट द स्पेलिंग ऑफ दिस, क्योंकि आपके स्पेलिंग मिस्टेक होने का डर रहता है, स्पेलिंग मिस्टेक होना चाहिए। स्फिग्नोमैनोमीटर ये दो टर्म को आप ऐड करना है, यहाँ आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्पेलिंग मिस्टेक ये बताता है कि जो आपने कुछ ध्यान से इस टर्म को देखा नहीं है। यस प्लीज। अनवांटेड साउंड आया जो कि शायद स्टूडेंट खुद नहीं चाह रहा था, तो आई जस्ट वांट यू टू, अभी मैं म्यूट कर दे रहा हूँ सबको, और जिसको भी अनम्यूट करना हो, जिसको भी कुछ बोलना होगा प्लीज अनम्यूट करके बोलिएगा, तो इट विल नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब अदर क्लास। सो स्फिग्नोमैनोमीटर और द इनडायरेक्ट मेथड, इट कंसिस्ट ऑफ इन्फ्लेटेबल प्रेशर कफ, इसमें एक प्रेशर कफ होता है, दैट प्रेशर कफ इज मेड अप ऑफ द रबर, ये एक रबर का बना हुआ होता है, रबर का इन्फ्लेटेबल रबर कफ, एंड ए मैनोमीटर, मैनोमीटर ये जो कि मेजर करेगा हमारे प्रेशर को। यू मस्ट बी नोइंग मैनोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर द ब्लड मेजर द प्रेशर। सो प्रेशर और रबर कफ इज इन्फ्लेटेबल एंड डिफ्लेटेबल। इन्फ्लेटेबल मतलब कि जब उसमें हम इस तरह से कनेक्शन करते हैं कि जब हम एयर पंप करेंगे तो वो इन्फ्लेट हो जाए, वो फूल जाए, जैसे बैलून फूल जाती है, और फिर बाद में हमारे पास इस तरह का सिस्टम हो कि हम अपने चॉइस से उसको डिफ्लेट कर पाए। सो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इज पॉसिबल बाय डूइंग आवर में, अब हमारे कंट्रोल में हो और हम मेजर कर पाए टू द मैनोमीटर। सो दिस इज बेसिकली द इंस्ट्रूमेंट और स्फिग्नोमैनोमीटर। ये एक डायग्राम मुझे मिला है बेसिकली बुक में, शायद आप लोगों के जो फर्स्ट ईयर की जो बुक्स आप लोग देख रहे हैं उसमें ये बुक में नहीं दिया है डायरेक्ट बीपी मेजरमेंट का, आई गॉट इट फ्रॉम ए जर्नल ऑफ इन द इंटरनेट। मैं आपको सिर्फ इसके प्रिंसिपल को थोड़ा सा दो मिनट में बता देता हूँ कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल एंड व्हाट इज बीइंग डन। इसमें आप ये देख रहे होंगे कि देयर इज ए सेंसिंग पोर्ट इज रिटन, दिस सेंसिंग पोर्ट इज नथिंग बट ए कैथेटर। तो कैथेटर के टिप पे एक सेंसिंग पोर्ट है। ये कैथेटर क्या है, एक ट्यूब है जो कि हमारे ब्लड वेसल के उसके अंदर डाल दिया है पर्सन के ब्लड वेसल में। सो दिस ट्यूब इज पुट इन टू द आर्टेरियल लाइन, ये हमारे आर्टेरियल सिस्टम में एक यहाँ और यहाँ पे एक सेंसिंग पोर्ट है इसके टिप पे। अब ये ट्यूब हम बाहर से इंसर्ट कर देते हैं और उसके बाद इसका एक एंड जो है वो कनेक्टेड होता है थ्रू ए ट्रांसड्यूसर, जो कि कन्वर्ट करता है एनी मूवमेंट। ट्रांसड्यूसर वर्ड का मतलब होता है ट्रांसडक्शन, इट विच इज कन्वर्टिंग जो एनी पल्सेशन, जो इसके अंदर जो भी पल्सेशन है या जो भी फ्लो की वजह से, तो अब जो ये क्योंकि आर्टेरियल सिस्टम से कनेक्टेड हो गया है तो इसके अंदर अब ये आर्टेरियल सिस्टम बन गया है, अब इसके अंदर इस ट्यूब के अंदर ब्लड आ गया है। सो व्हेन दिस ब्लड विल फिल इन दिस ट्यूब, सो दैट ट्यूब विल, इसके अंदर ये कनेक्टेड है, जैसे जैसे सिस्टोल और डायस्टोल होंगे तो इसके जैसे फ्लक्चुएशन होंगे, इस फ्लक्चुएशन को इस प्रेशर ट्यूब यहाँ पे ट्रांसड्यूसर से कनेक्ट से जोड़ लेते हैं, और वी विद द हेल्प ऑफ दिस electrical connection we measure the values of the fluctuations and these values will indicated on the monitor. Monitor ke upar mein ye likha hua aa jata hai ki suppose 120 upon 80, so this blood pressure is connected with the help of the monitor. So this is the principle. Now you can notice that ki ye jo tube hai, ye jo catheter ka tube hai, ye tube is connected with the help of, this tube is connected विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे स्टॉप कॉक लगा है, जीरो स्टॉप कॉक, और इसके थ्रू इट इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द अनदर सिस्टम, दैट सिस्टम इज फिल्ड विद ए फ्लश सॉल्यूशन अंडर प्रेशर। फ्लश सॉल्यूशन के अंडर में मोस्ट में हेपारिन यूज किया जाता है। यू नो व्हाट इज हेपारिन, हेपारिन इज एन एंटी कोगुलेंट। ये क्या करते हैं, एंटी कोगुलेंट इसके अंदर रखते हैं और थोड़े थोड़े टाइम पे
इससे फ्लश करते रहते हैं इस आर्टेरियल इसको। तो यहाँ पे हाई प्रेशर में जब आप फ्लश यहाँ हाई प्रेशर से जब आप यहाँ पे ये मैनोमीटर लगा हुआ है यहाँ पे प्रेशर मेजर करने के लिए, यदि हाई प्रेशर में जितना इसका सिस्टोलिक प्रेशर है उससे भी ज्यादा प्रेशर में यदि आप फ्लो यदि इधर की तरफ दोगे तो व्हाट विल हैपन कि ये जो ट्यूब के अंदर जो ब्लड आया है वो ट्यूब के अंदर के ब्लड जो है वो फ्लश हो जाएंगे एंड और वो जो है सो इसका जो है सो क्लॉटिंग नहीं होगी। सो दिस मच इज सफिशियंट फॉर योर लेवल, इतना आपको पता होना चाहिए। यू आप यू कैन नोटिस डायरेक्ट बीपी मेजरमेंट में, आई एम रिपीटिंग द थिंग्स, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। एक हमारे कैथेटर इंपॉर्टेंट है, कैथेटर, देन सेकेंड थिंग कैथेटर के टिप पे सेंसिंग पोर्ट लगा दिया जाता है एंड दैट इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ए ट्रांसड्यूसर एंड दिस ट्रांसड्यूसर इज हैविंग ए जीरो स्टॉप कॉक और थ्री वे स्टॉप कॉक एंड दैट स्टॉप कॉक इज बेसिकली दिस ट्रांसड्यूसर विद इज दैट stop cock is connected with a flush solution under pressure and another thing it is basically this transducer is connected with the electrical connector and monitor which record our blood pressure. So this is the direct measurement of blood pressure here. So ye iska direct machine ka direct principle hai, to ise aap log dekh lena, ise maine aapko bata diya. Now we will want to discuss, I think ye sabko samajh mein aa gaya hai ki kya hota hai. इट इज नॉट गोइंग टू बी आस्क, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कभी कभी हमें डायरेक्ट जब मेजर करते हैं तो कैसे करते हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है इसमें कुछ, तो हाउ इट कैन बी डन। इफ एनीबडी वांट टू आस्क यू कैन अनम्यूट एंड आस्क मी रिगार्डिंग द डायरेक्ट बीपी मेजरमेंट, अभी तक जो मैंने बोला है। सो आई प्रिज्यूम कि आप लोग सुन रहे हो और कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं हुआ है। सो आई एम गोइंग टू नेक्स्ट कम्पोनेंट, दैट इज द इनडायरेक्ट ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। इनडायरेक्ट ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के तीन मेथड हैं, इनडायरेक्ट ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के तीन मेथड हैं एंड दिस थ्री मेथड्स आर कॉल्ड एज पाल्पेटरी मेथड नंबर वन। नंबर वन इज कॉल्ड पाल्पेटरी मेथड। पाल्पेटरी का मतलब ये होता है कि वी जस्ट put our hand and we feel the blood pressure, not using the stethoscope. जब हम stethoscope का use नहीं कर रहे हैं और तब भी हम blood pressure को measure करेंगे। This is a stethoscope you must have seen and used till now multiple times. अब आप लोगों के पास personal भी बहुत सारे बच्चों के पास है, बहुत सारे लोगों के घर पे पहले से भी थे, कॉलेज में आने से पहले भी। So this is basically a stethoscope. Whenever we use a stethoscope for measuring the blood pressure, then this method is the second one, that is called the auscultatory method. Auscultatory means we are listening the sound with the help of a stethoscope. Palpatory, we are feeling. So palpatory method by feeling with our own hand. यहाँ पे हम feel करके blood pressure के बारे में बताते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिनिमम स्टेथोस्कोप का यूज होना जरूरी है, स्टेथोस्कोप। सो देयर आर द टू डिफरेंट इंपॉर्टेंट मेथड्स। थर्ड वन इज द ऑसिलेटरी मेथड ऑफ द बीपी मेजरमेंट। ऑसिलेटरी मेथड ऑफ बीपी मेजरमेंट इज बेसिकली ए थर्ड मेथड। इट इज यूज्ड इन केस ऑफ द ऑटोमेटेड या ऑटोमेटिक बोलो, ऑटोमेटिक स्पिग्नोमैनोमीटर या बीपी मेजरिंग डिवाइस में इसका यूज किया जाता है। सो हमारे पास दो है मैनुअल, दो मेथड मैनुअल है, पाल्पेटरी मेथड एंड ऑस्कल्टेटरी मेथड, एंड एक मेथड है दैट इज द ऑटोमेटिक या ऑटोमेटेड बीपी मेजरिंग डिवाइस। वी विल डिस्कस वन बाय वन, बिफोर गोइंग टू दैट आई वॉन्ट टू शो यू द बीपी मेजरमेंट डिवाइसेज। देयर आर थ्री मोस्ट फ्रीक्वेंट और मोस्ट कॉमनली यूज बीपी मेजरिंग डिवाइसेज हैं। नंबर वन यू कैन से इज द मर्करी स्पिग्नोमैनोमीटर। मर्करी स्पिग्नोमैनोमीटर में मैनोमीटर जो होता है उस मैनोमीटर इज बेसिकली कनेक्टेड, मैनोमीटर इज मेड अप ऑफ बेसिकली ए मर्करी ट्यूब, मर्करी रिजर्वायर। मैनोमीटर मर्करी रिजर्वायर के साथ जुड़ा हुआ है और वो हमारे प्रेशर को मेजर करता है। सेकेंड टाइप ऑफ स्पिग्नोमैनोमीटर इज द एनरोइड टाइप,
यहाँ पे यू कैन नोटिस इन द डायग्राम कि यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो मेजरिंग कफ है उसके साथ एक इन्फ्लेटिंग बल्ब लगा हुआ है. दिस इन्फ्लेटिंग बल्ब इज ऑल्सो कॉमन इन दिस. यू कैन नोटिस कि कफ कफ के साथ एक इन्फ्लेटिंग बल्ब लगा है और कफ के साथ एक दूसरा ट्यूब लगा है जो कि मरकरी रिजर्वायर और मैनोमीटर के साथ जुड़ा है. मरकरी रिजर्वायर में मार्किंग्स की गई है. यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे कफ है लेकिन यहाँ मैनोमीटर में है. यहाँ प्रेशर मेजरिंग जो डिवाइस है दिस बेसिकली इज कनेक्टेड लाइक अराउंड बेसिकली अराउंड क्लॉक लाइक इंस्ट्रूमेंट. ये इंस्ट्रूमेंट को आप लोगों ने यूज देखा होगा इतना सा पोर्शन. नॉट बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द होल. ये आपने इतना पोर्शन जरूर देखा होगा जब आप टायर में एयर फिल करवाते हो. गाड़ी के टायरों में जब आप एयर फिल करवाते होगे तो आपने ये जरूर देखा होगा कि प्रेशर देख लेते हैं और बता देते हैं कि जो इतना प्रेशर है यानी कम है ज़्यादा है नॉर्मल है जितना रिक्वायरमेंट है. सिमिलरली हमारे इस ये भी इसी तरह से ये कनेक्टेड है और ये हमारे जो ये जो रबर ट्यूब जो इसके अंदर है इस कपड़े के अंदर इसके प्रेशर को ये कनेक्ट करके बता देता है. सो दिस इज वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट वेरी मच प्रैक्टिकल यूज और बहुत अच्छा है बहुत पोर्टेबल है. बहुत सिंपल सा छोटा सा एक मैनोमीटर डिवाइस लगी है. That device is connected with the help of the rubber tube, and that is that rubber tube is connected with the inflating bulb. यहाँ पे एक knob होता है जो knob इस picture में नहीं आया यहाँ पे आया है. You can notice कि यहाँ knob है कि एक knob है basically जो knob को पहले rotate करके tight कर देते हैं और tight करने के बाद air fill करते हैं और जब हमें lose out करना होता है जब air निकालना होता है deflate निकालना होता है तो उसे हम rotate करके उल्टा rotate करके उसे हम प्रपन करते हैं. तो इस तरह से दो मैनुअल डिवाइसेज हैं. वन डिवाइस इज द मर्करी स्पिग्नोमैनोमीटर एंड द सेकेंड इज द एनेरोइड टाइप ऑफ स्पिग्नोमैनोमीटर. सो वन इज द मर्करी स्पिग्नोमैनोमीटर अनदर इज द एनेरोइड. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव सीन दिस मर्करी स्पिग्नोमैनोमीटर. आप सब ने जरूर देखा होगा मर्करी स्पिग्नोमैनोमीटर. ये भी कुछ लोगों ने देखे होंगे घर पे होते हैं लेकिन यदि नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं. आज मैं आप लोगों को ये एनेरोइड टाइप स्पिग्नोमैनोमीटर और मर्करी स्पिग्नोमैनोमीटर पूरा डिटेल दिखाऊंगा. और जब आप लोग कॉलेज पे आओगे तब हम आप लोगों को मौका देंगे फिर से प्रैक्टिस करने के लिए ये मैनोमीटर को. अभी लाइट तुरंत चली गई है एक सेकेंड में ही. एक्चुअली मैं चाह रहा था कि अभी स्क्रीन ऑफ करके आपको ये इंस्ट्रूमेंट दिखाऊँ तो आई एम जस्ट वेटिंग 1-2 मिनट में लाइट आ जाती है. थर्ड टाइप ऑफ इक्विपमेंट थर्ड टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर मेजरिंग इक्विपमेंट इज बेसिकली ऑटोमेटेड. ऑटोमेटेड और ऑटोमेटिक भी बोल सकते हैं हम लोग. ऑटोमेटेड या ऑटोमेटिक स्पिग्नोमैनोमीटर और द ब्लड प्रेशर डिवाइस विच कैन मेजर ऑटोमेटिकली. यू डू नॉट नीड ए पर्सन. यानी कि यहाँ पे पेशेंट खुद से अपना मेजर कर पाएगा. सो सेल्फ मॉनिटरिंग के लिए ये इक्विपमेंट बेस्ट है. जब आपको सेल्फ मेजर करना हो जब आप किसी मरीज को बोलते हो कि आप घर पे हो कोई बात नहीं आप अपना ब्लड प्रेशर मेजर करके मुझे बताओ तो देन दैट सेल्फ मॉनिटरिंग के लिए ऐसे टाइम में दिस डिवाइस इज वेरी अप्रोप्रिएट. सो दिस इज बेसिकली ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक और ऑटोमेटेड डिवाइस. इस डिवाइस जो अभी मैंने आपको तीन मेथड बताए जो पाल्पेटरी ऑस्कल्टेटरी एंड ऑसिलेटरी. दिस डिवाइस ऑटोमेटेड टाइप ऑफ डिवाइस इज बेस्ड ऑन ऑसिलेटरी मेथड. ये ऑसिलेटरी मेथड पे बेस है. और जो पाल्पेटरी और ऑस्कल्टेटरी मेथड है ये 1 और 2 दोनों ही इसमें किए जा सकते हैं. यानी इसके अंदर पाल्पेटरी भी किए जा सकते हैं पाल्पेटरी मेथड एज वेल एज इसके अंदर ऑस्कल्टेटरी मेथड भी किए जा सकते हैं. इट इज अगेन इसके अंदर पाल्पेटरी एज वेल एज ऑस्कल्टेटरी मेथड यूज किए जा सकते हैं. सो देयर आर टू मेथड्स 1 और 2 कैन बी डन हेयर 1 और 2 कैन बी डन हेयर एंड द थर्ड ऑसिलेटरी मेथड ऑफ द बीपी मेजरमेंट इज हेयर. सो दिस इज अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेज. सो जस्ट आई एम just you all wait for a minute.
चलो हाँ, थैंक यू फॉर वेटिंग. नाउ आई एम स्टॉपिंग दिस स्लाइड. मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग को थोड़ी देर के लिए बंद करता हूँ और ये तीनों इक्विपमेंट आप लोगों को दिखाता हूँ. सो प्लीज सी इट प्रॉपरली, और कुछ भी यदि डाउट लगे तो फ्री यू आर फ्री टू आस्क. आप लोग पूछिए इसे, ये बहुत जरूरी है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए. सो सबसे पहले मैं अभी आप लोगों को जो इक्विपमेंट दिखा रहा हूँ, दिस इक्विपमेंट इज बेसिकली मरकरी स्पिग्नो मैनोमीटर. आप ये देखिए, यहाँ पे एक मरकरी स्पिग्नो मैनोमीटर है. इस मरकरी स्पिग्नो मैनोमीटर में आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ मार्किंग्स की गई है, नंबर्स की मार्किंग की गई है. 10 से स्टार्ट हुआ है, एक साइड 10, दूसरे साइड 20, 30, 40, ऐसे करके हर 10-10 का मार्किंग किया गया है. एंड टॉप मोस्ट मार्किंग जो आप नोटिस कर रहे हो, दैट इज 290 है, अप टू 300 तक ये फिल कीज कर सकते हैं. यानी दिस इक्विपमेंट इज मरकरी स्पिग्नो मैनोमीटर. इसके अंदर यहाँ पे ये जो एक ऐसा एक छोटा सा जो बल्ब जैसा बना हुआ है, यू कैन नोटिस दिस बल्ब इज बेसिकली मरकरी रिजर्वायर. एंड दिस मरकरी रिजर्वायर इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ए रबर ट्यूब, एंड दिस रबर ट्यूब इज बेसिकली कनेक्टेड टू ए कफ. यू कैन नोटिस ये एक रबर कफ के साथ जुड़ा हुआ है. और यहाँ पे एक दूसरा ट्यूब है जो कि आप नोटिस, मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए रख रहा हूँ. हाँ, ये एक दूसरा ट्यूब है जो कि आप देखो कि इट इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ए डिफ्लेटिंग बल्ब. ये बल्ब है जो मैं नॉब की बात कर रहा था, वो ये नॉब है. सो दिस इज नॉब जो कि ऐसे बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद यदि हमें एयर फिल करना, मैं इसके अंदर यदि हमें प्रेशर बढ़ाना हो, मैं थोड़ा और ट्राई करता हूँ. हाँ देखो, ऐसे यदि मैं यदि डायरेक्ट यदि इसके अंदर यदि पुश करूंगा और इसको यदि बल्ब को यदि मैं छोड़ दूंगा, यदि कुछ भी किसी भी यदि बल्ब को ओपन कर ये रबर इसको, और यदि मैं इसे अभी यदि पुश करता हूँ तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी नो एनी इन्फ्लेशन. इसके अंदर इन्फ्लेशन नहीं होगा. इन्फ्लेशन ये तभी होता है जब देयर इज ए रेजिस्टेंस ऑफ प्रेशर. सो नाउ यू नीड कि देखो, मैं इसे अभी हल्का सा प्रेस करूंगा हाथ से, अपने हाथ में रख के, और फिर इसे फुल करता हूँ. अब देखो, आप नीचे देखोगे कि यू कैन नोटिस कि यहाँ पे जब भी मैं इसे प्रेस करता हूँ, यू कैन नोटिस कि यहाँ पे ये थोड़ा सा वो रुका हुआ मरकरी का मरकरी कॉलम, आप जो नोटिस कर रहे हो मरकरी कॉलम इज रेज्ड. और जब धीरे धीरे जैसे जैसे एयर लूज करेंगे हम, तो ये जो है तो मरकरी कॉलम धीरे धीरे नीचे जाएगा, और पूरा लूज कर देंगे तो ये सडनली पूरा नीचे चला जाएगा. सो दिस इज बेसिकली यू कैन नोटिस हेयर कि यहाँ पे हम लोग मरकरी कॉलम को अपने हिसाब से यहाँ पे जैसे देखो, मैंने पुश करना शुरू किया और मरकरी कॉलम राइज किया, यू कैन नोटिस हेयर. और फिर जब इसे हम इसे होल्ड करके रखेंगे, यू कैन होल्ड इट. नाउ इसे हम थोड़ा सा लूज करेंगे तो देखो ये धीरे धीरे, जैसे मैं इसे लूज कर रहा हूँ अपने हाथ से, ये धीरे 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 प्रेशर कम होता जा रहा है, हो गया. सो ये आपने देखा. सो दिस इज मरकरी स्पिग्नो मैनोमीटर. मैंने ये आपको अपने हाथ में रख के दिखाया. नॉर्मली यदि आप हाथ में इसे होल्ड करके प्रेशर से रखा था, यदि आप यदि ऐसे छोड़ दोगे लटका के, या मान लो ऐसे रखा हो टेबल पे और पुश करोगे, तो एयर पुश करने से, एयर बल्ब से पुश करने से इसके अंदर, देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो इसमें नहीं मरकरी कॉलम राइज करेगा. मरकरी कॉलम तभी राइज करेगा जब ये प्रॉपरली टाई अप किया हुआ हो आर्म पे. और इसी वजह से यहाँ पे वेल्क्रो का यूज करके, यू कैन नोटिस एक वेल्क्रो का यूज करके ये ऐसे लगते हैं, जिससे कि आर्म में ये प्रेशर जो है सो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए चारों तरफ, और जिसके वजह से ये देख पाए. सो दिस इज फर्स्ट डिवाइस, दिस इज कॉल्ड मरकरी स्पिग्नो मैनोमीटर. अब आप लोगों को मैं दूसरा डिवाइस, दैट इज कॉल्ड एनेरोइड स्पिग्नो मैनोमीटर दिखाना चाहता हूँ. सो द सेकेंड डिवाइस इज दिस वन, दिस इज कॉल्ड एनेरोइड स्पिग्नो मैनोमीटर. जब आप लोग कॉलेज आओगे, वेन यू कम टू द कॉलेज, और देन इन आवर लैब वी हैव दिस डिवाइस, हमारे पास मरकरी स्पिग्नो मैनोमीटर डिवाइस है. तो हम यही डिवाइस से आपको ब्लड प्रेशर मेजरमेंट सिखाते हैं. सो दिस इज द वेरी बेसिक इक्विपमेंट, इट इज मोर वेरी मच रिलायबल, इसी वजह से इसका यूज करते हैं. थोड़ी रिलायबिलिटी इस मशीन में थोड़ी कम होती है, बट स्टिल इट है, इसकी एक एडवांटेज है कि इसकी पोर्टेबिलिटी ज़्यादा है. ये देखो सेकेंड टाइप का डिवाइस जो अभी आपने इमेज में देखा था, ये आप देखो यहाँ पे एक्चुअल में. तो दिस इज बेसिकली यहाँ पे मार्किंग, पहले चेक कर लो,
यू कैन नोटिस हियर कि बल्ब के अंदर मार्किंग्स देखो, यू कैन आपने नोटिंग मार्किंग्स देख लिया, देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, 20 से लेके 20, 40, 60, 80, 100 एंड यहाँ से लेके आपको 300 तक इसके अंदर मार्किंग की गई है। बाकी रेस्ट सिस्टम ऑफ दिस बल्ब एंड दिस रबर ट्यूब एंड दिस एवरीथिंग इज सेम, रेस्ट सिस्टम इज अगेन द सेम, यहाँ पे भी बल्ब है, जस्ट ओनली थिंग ये मरकरी कॉलम के जगह पे, इसमें एक ये लगा दिया गया, ठीक है। अब नाउ इसमें भी वही प्रिंसिपल यूज होगा, जैसे कि अभी आप देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हाथ में इसे पकड़ा हूँ और इसे बंद कर रहा हूँ नॉब को, ये भी इधर ही पकड़ लेता हूँ जिससे कि मेरे को थोड़ा इजी रहे। नाउ आप देखोगे जैसे मैं इसे पुश करूंगा, सॉरी ये खुल गया था, जब यहाँ पे आपको मार्किंग सब दिख रहा होगा तुम, अब जैसे मैं इसको पुश करूंगा यू कैन नोटिस कि यदि मैं इसे प्रेशर पे बना के रखूंगा तो ओके देखो ये देखो जैसे जैसे मैंने इसमें पुश किया तो इसमें प्रेशर राइज हुआ, क्योंकि मैं उतने प्रेशर पे सस्टेन नहीं रख पा रहा हूं तो ये थोड़ा सा लूज हो जा रहा है मेरे हाथ से, तो चलो मान लो यहाँ पे रखा है। अब मैं इसे यदि इतने पे रखा हूँ और यदि मैं इसे अभी नॉब को लूज करूंगा यू कैन सी कि ये लो प्रेशर कम हो गया। सिमिलरली फिर से रिपीट करता हूँ, यू कैन सी देखो इतने पे ये प्रेशर मेंटेन्ड है, अभी मैं अपनी मर्जी से जैसे अब छोड़ूंगा इसे तो ये सडनली लूज हो जाएगा, देखा आपने। तो दिस इज बेसिकली सेकेंड टाइप ऑफ डिवाइस कॉल्ड एनेरॉइड टाइप ऑफ स्पिग्नोमैनोमीटर। सो दिस डिवाइस इज एनेरॉइड टाइप ऑफ स्पिग्नोमैनोमीटर। कभी कभी आपके पास एनेरॉइड स्पिग्नोमैनोमीटर होगा, कभी कभी आपके पास ये स्पिग्नोमैनोमीटर होगा, या क्योंकि हमारे प्लेस और प्रैक्टिस की जगह चेंज होती रहती है तो वी शुड अडेप्ट विथ द ऑल द इक्विपमेंट अवेलेबल फॉर द बीपी मेजरमेंट। थर्ड टाइप ऑफ इक्विपमेंट इज द ऑटोमेटेड बीपी मेजरिंग डिवाइस। मैं यहाँ कंपनी का नाम छुपा दे रहा हूँ, ऑटोमेटिक बीपी मेजरिंग डिवाइस है, यू कैन नोटिस हियर। इस डिवाइस का डब्बे को मैं खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ, देखो इसके अंदर भी एक वो ही है कफ है, और लेकिन इसमें एक ही ट्यूब लगा है कफ से, देयर इज नो टू ट्यूब्स नहीं है, उस वाले में दो ट्यूब थे, इसमें एक ही ट्यूब लगा है। एंड दिस इज द बेसिकली द इक्विपमेंट, यू कैन सी हियर कि ये एक इक्विपमेंट है बेसिकली, ये इस इक्विपमेंट के अंदर यहाँ पे एक ये देखो साइड में यहाँ ये लगाने के लिए आता है इसका रबर ट्यूब, ये मैंने यहाँ लगा दिया राइट। नाउ दिस इज, अब जब मैं इसे यहाँ पे मैं इसे फिर से हाथ में ही पकड़ ले रहा हूँ क्योंकि अभी जब मैं इसे ऑन करूँगा, इट इज बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस, ऑन करने के लिए ये देखो जब मैं इसे ऑन किया है तो इसने अपने आप ही एयर फिल करना शुरू किया मशीन में, बैटरी ऑपरेटेड है और इसने ऐसा एयर फिल किया, और कुछ देर के बाद जो है सो क्योंकि यहाँ एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इट कैन नॉट मेजर द ऑसिलेशंस। अब क्योंकि मेरे हाथ में वो ऑसिलेशंस नहीं है, क्योंकि दिस मेथड इज बेसिकली बेस्ड ऑन द ऑसिलेटरी मेथड। तो ये भी इंस्ट्रूमेंट आप लोगों ने देखा होगा, इट इज ए बैटरी ऑपरेटेड, ये यहाँ पे बैटरी लगी होती है, चार बैटरी इस तरह की लगी होंगी, और ये देखना कि मशीन यदि कभी एरर दिखाता है या काम नहीं करता है तो जरूर ये चेक कर लेना कि बैटरी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। लेकिन यहाँ पे अभी क्या हुआ, ये एरर इसलिए दिखाया, E1 लिखा था, एरर इसलिए दिखाया क्योंकि ये इट इज नॉट प्रॉपरली टाइड ऑन माई आर्म्स। सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ डिवाइस। तो तीनों टाइप के डिवाइस आपने देख लिए, तो आई एम नाउ अगेन पॉजिंग फॉर ए मिनट एंड आई वॉन्ट यू टू हैव सम टाइम, जिससे कि आप लोग देख के बताओ मुझे कि आपको क्या कोई डाउट हुआ, कि यदि डाउट है तो पूछो मेरे से। देर आर थ्री टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स वी हैव डिस्कस्ड, सो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले मेथड पे, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट पे। तो अभी तक अभी हमने तीनों टाइप के मेथड्स के नाम पढ़े और तीन टाइप के इक्विपमेंट और उसके वर्किंग के बारे में थोड़ा थोड़ा देखा है, ठीक है। सो जस्ट यू कैन आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस। Anybody can ask me, no problem, you can ask. Sir,
आरआईटी नॉइड में वो प्रेशर, जैसे मरकरी कॉलम में प्रेशर की वजह से मरकरी कॉलम रेज करता है, तो राइट, एराइटी नॉइड में प्रेशर की वजह से वो क्यों रेज करता है, उसमें क्या होता है इसमें भी तो उसका वर्किंग? नहीं, एनेरॉइड वाला में, एनेरॉइड वाला, एनआईडी एनेरॉइड वाला और मरकरी वाला दोनों ही सेम ही प्रिंसिपल है। देखो यहाँ पे भी और ये दोनों में ही सेम ही प्रिंसिपल है। जब आप आर्म के ऊपर इसके कफ को बांध दोगे और इसे बंद कर दोगे, तो जैसे मरकरी कॉलम में बढ़ने का इंडिकेशन, इंडिकेशन क्या है, यहाँ पे मरकरी राइज होता है और मरकरी राइज होके ऊपर की तरफ जाता है, जो अभी हमने आपको पुश करके पंप करके दिखाया था। सिमिलरली यहाँ पे आप देखो कि इस वाले में, इस वाले इक्विपमेंट में जब आप यहाँ जब एयर पंप करते हो, एयर जब फिल करते हो, तो ये भी तो इसमें भी प्रेशर राइज करता है, और वही प्रेशर राइज जो है ना, दैट ये जो डायल है ना, इसके अंदर जो सुई दगी है, वो सुई ऊपर की तरफ घूम जाती है। और जैसे जैसे यहाँ ऊपर आया, यदि सुई यदि घूम के यदि इधर आया, 100 पे आया, इट मीन्स इट इंडिकेट्स 100 इज द प्रेशर ऑफ दिस, प्रेशर इन दिस ट्यूब, इन दिस कफ, वो इसको इंडिकेट करता है। तो जैसे इसमें सीधा ऊपर की तरफ जाता है, तो क्योंकि ये मरकरी रिजर्वायर से लगा है, तो ये अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे इसकी इसकी डिजाइनिंग इस तरह से है मशीन की कि ये एक डायल की तरह घूम करता है, ये एक डिफरेंस है, और बाकी चीजें दोनों का पूरा प्रिंसिपल सेम है। आई थिंक समझ में आया आपको। क्या क्या पूछ रहे हो, आवाज नहीं आई क्लियर, नहीं भी किसने पूछा कुछ? स्कोप तो जरूरत नहीं करेक्ट? आई थिंक आपके आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। प्रॉब्लम है सर, कह रहा हूँ कि इन दोनों में एरनॉइड और मर्करी में इनमें इसके तो स्कोप की जरूरत पड़ती है ना सर, एग्जैक्ट बीपी मेजरमेंट के लिए? देखो देखो, इन दोनों में स्टेथोस्कोप की मेजरमेंट तब करेगी जब हम लोग ऑस्कल्टेटरी मेथड यूज करेंगे। पाल्पेटरी मेथड यदि यूज करेंगे तो सिर्फ हमें फिंगर से पल्स पल्स से ही पाल्पेट करते हैं। मैं उन मेथड्स पे आऊंगा। इन दोनों में स्टेथोस्कोप की जरूरत पड़ती है, वेरी गुड। और ये वाला जो ऑटोमेटिक बीपी मेजरिंग डिवाइस है, इसके अंदर स्टेथोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती है। ये डायरेक्ट लगा दो और डायरेक्ट ये यहाँ पे नंबर लिख के दे देता है, तो ये बिल्कुल सही है। स्टेथोस्कोप की जरूरत पड़ती है, एक मेजर करने वाले आदमी की जरूरत पड़ती है जिसको कि बीपी देखना आता हो, जो कि साउंड सही हो, जो कि सुनता सही से हो, और जिसको दिखता भी सही हो, वो मोमेंट तो वहां पे ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है, और साथ में स्टेथोस्कोप की भी जरूरत है। तो जो दोनों ही मेथड, दोनों जो मैनुअल मेथड है, वेरी गुड। ये भी इम्पोर्टेंट है।